बबुआ रे, जब से हमारे टीम में मैक्सवेल आया तब से हम एक भी मैच नहीं हारे। जो लोग हमारा मीम बना रहे थे, इस साल हमने उनका ड्रीम तोड़ दिया, क्योंकि इस साल हमारी टीम जुग जुग गाड़ी पे बैठकर आगाड़ी पे चल रही है। इस साल सुलोचना भी हमारी आलोचना नहीं कर पाएगी, अब तो हर तरफ हमारे ही जलवे हैं भाई। बबुआ रे, मैक्सवेल ने प्रीति को धोखा देकर हमसे जो प्रीत लगाई उसका ही नतीजा है ये। प्रीति जिंटा के साथ मेरा तंटा हो गया। जब से मैंने आरसीबी में आके सिक्स मारा तब से। जब से तूने आरसीबी में आके सिक्स मारा तब से तू हमारे दिल के धड़कन में फिक्स हो गया और साथ ही हमारे आरसीबी टीम में फिक्स हो गया। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, अक्सर लोग हमारी टीम को छोड़ के जाते हैं और फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन इस साल तो अजूबा हो गया। कौन सा अजूबा रे? यही कि प्रीति मैडम से अपनी प्रीत छोड़ के हमारे टीम में आके मैक्सवेल ने अपना फॉर्म दिखाया। हाँ बात तो सही है, इस बात को मैं नोटिस नहीं किया था। बबू अरे, आरसीबी को जिस प्लेयर की गरज थी वो हमारी टीम में पधार गया और हमारे बैटिंग लाइनअप को सुधार गया। वो मैं खुद आरसीबी टीम में खेलना चाहता था, क्योंकि अगर इस टीम में मैंने ट्रॉफी जीती तो उसकी फीलिंग अलग ही होगी। तेरे कहने का मतलब क्या है रे? हमने कभी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती इसलिए तू यहाँ पे आया? ऐसे चापलूसी वाले बातें मैं सुनना नहीं चाहता। चीकू भैया, आप तो खुद एक ट्रॉफी हो, हमें ट्रॉफी की गरज नहीं है। मैक्सवेल बिना ढक्कन खोले ही मक्खन लगा रहा है। बबू अरे, हमें इस जीत को कायम चूरण खाके कायम रखना पड़ेगा, तभी हम प्लेऑफ तक पहुंच पाएंगे। जब तक मैसेल और एबीडी की धमाकेदार पारी रहेगी तब तक हमारी जीत जारी रहेगी। और हर मर्द की सक्सेस के पीछे एक नारी रहेगी। वाह क्या राइमिंग मारा, तालियां बजाओ तालियां। अब मुझे आरसीबी से आस लगानी पड़ेगी, तभी मेरी जिंदगी में साहस आएगी और मेरी शादी हो जाएगी। अरे कोई मेरी भी तारीफ करो ना, मैं भी आपकी टीम में नया नया आया हूँ, हो सकता है मैं आपके लिए लकी हूँ। वाह गब्बर भाई, आपकी बसंती तो नाचने लग गई अभी। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि हम जीत गए, मुझे इस बात की खुशी है कि हमने उच्च स्तरीय राहुल बाबा को हराया। भाई राहुल के जन्मदिन के दिन उसको हराना अच्छी बात नहीं है। राहुल बाबा तो मोह माया से काफी दूर है, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो हारे या जीते। लेकिन प्रीति मैडम को चुना लग गया ना। सुरक्षित काले मेरे बाल, अगली बार चलना घोड़े की चाल। खोपड़ी सरक गई मेरी। क्या हुआ स्मित भाई, कल तो तू 9 रन बना के चुनाव लड़ने चला गया। अब समझा तुझे लोग टेस्ट प्लेयर क्यों बोलते। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जब से मैं आया ना मुझसे लोग डांस करवा रहे हैं, मेरी कमर लचक गई है, साथ में खोपड़ी भी। कमर को खोपड़ी पे लेके घूमेगा तो ऐसा ही होगा।